इस बार मॉनसून सत्र में सदन के अंदर तमाम नेताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी चर्चा में रहे। सदन में दी गई उनकी स्पीच लोगों ने देखी और खूब पसंद भी किया। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार इतने आक्रामक मुद्रा में आकर राहुल गांधी यानी कि अपने पुराने दोस्त पर हमला बोला था। सिंधिया उस एमपी से आते हैं जहां साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सिंधिया सदन के अंदर क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजर थी। सिंधिया के सदन में बोले कुछ दिन बीत गए हैं लेकिन अभी भी उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। इनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टिकरण और अहंकार की दुकान है। ये दुकान का केवल नाम बदलते हैं लेकिन सामान वही रहता है। ये बयान सुनिए। आज सभापति महोदय ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टिकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा। सिंधिया ने इसके बाद कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मैं बताना चाहूंगा कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। सिंधिया का यह बयान सुन लीजिए। भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो आराम से बैठो। आप नहीं चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो। आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। इसके बाद सिंधिया ने कहा कि विपक्ष को न देश की चिंता है, न पीएम पद की चिंता है, न राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। मुझे 20 साल हो गए हैं इस सदन में रहते हुए लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह का शब्द पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके लिए इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आइए आपको ये वाला बयान सुनाते हैं। इन लोगों को न देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सिंधिया ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की याद आई इनको। कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में भी डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस अक्सर पीएम मोदी पर मौन व्रत धारण करने का आरोप लगाती है। इस पर सिंधिया ने सदन में क्या कहा था, ये भी आपको सुनवा देते हैं। 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी,
तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका जवाब ये दे। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सदन के अंदर सिंधिया के दिए हुए बयान आज भी काफी चर्चा में है। सिंधिया की स्पीच पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।